साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फार्मेसी लीडर चैनल पे। आज हम जानेंगे पैरोक्सेटिन टैबलेट के बारे में, जो महिलाओं के लिए बेहद ही फायदेमंद है, शीघ्र पतन में बहुत फायदा देती है। इसका कैसे उपयोग करना है, डोज, साइड इफेक्ट, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। और इसके जो ब्रांड हैं, ये पैक्सेप CR 12.5 mg और दूसरा पैरी CR 12.5 mg के बारे में जानेंगे। तो दिमाग से जुड़ी हुई हर प्रॉब्लम में लाभकारी होती है, सभी समस्याओं को ठीक करने में लगभग को ठीक करती है वाली ये टैब। तो पैरोक्सेटिन टैबलेट क्या है? जो पैरोक्सेटिन टैबलेट है, ये दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करती है लगभग, और ये दिमाग से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने वाली टैबलेट है। जो एक पैरोक्सेटिन टैबलेट है, वो उसका मूल नेम जो है वो पैरोक्सेटिन है, और इसका मेडिकल स्टोर पर जाके जब आप इसको खरीदेंगे तो इसके जो पॉपुलर ब्रांड हैं वो पैक्सिप CR 12.5 mg और पैरी CR 12.5 mg हैं। तो वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसके सबसे पहले जान लेते हैं कंपोजिशन क्या पाए जाते हैं इसके अंदर, और ये कैसे वर्किंग करती है, कब यूज करें, कैसे यूज करें, सही डोज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, और इसके साथ इसको इस्तेमाल करते समय क्या क्या सेफ्टी बरतनी है। तो जो पैरोक्सेटिन टैबलेट है, ये किस क्लास की दवा है, कैसे काम करती है? तो ये क्या है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन री अपटेक एंटी डिप्रेजेंट दवा है। ये बेसिकली क्या है, क्या करती है, ये आपके ब्रेन में एक केमिकल मैसेंजर जो होता है, जिसको सेरेटोनिन को बढ़ाने का काम करती है, यानी कि सेरेटोनिन को ब्रेन में बढ़ाने का काम करती है, जिससे क्या होता है, मूड अच्छा हो जाता है, फिजिकल डिप्रेशन को ठीक करती है, यानी कि फिजिकल डिप्रेशन के जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, उसको ये ठीक करती है। अब ये पैरोक्सेटिन टैबलेट डॉक्टर कब देते हैं, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो डॉक्टर हैं पैरोक्सेटिन टैबलेट कब देते हैं, तो ये जो है मेजर डिप्रेशन डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, यानी कि मानसिक रोग जो होते हैं, अब वो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको देते हैं। मानसिक रोग में क्या होता है, व्यक्ति उदास रहेगा और उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, व्यक्ति उदास रहेगा और वो उदासी भरा जीवन जी रहा होगा, तो उसको ठीक करने के लिए, इस बीमारी को MDD बोला जाता है, तो इसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको देते हैं। OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जो OCD बोला जाता है, तो इसमें व्यक्ति क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है, ज़रूरत से ज़्यादा काम को जो है काम को काम की बातें करता है। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर SAD, यानी कि इसमें व्यक्ति क्या है, शर्मिंदगी से जीता है, अपमान की उसको चिंता रहती है, हमेशा ठेस पहुँचाने की चिंता रहती है कि कोई उसको ठेस ना पहुँचा दे, उसका कोई अपमान ना कर दे, तो उसको ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर इसको देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए मैं डॉक्टर इसको देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में क्या होगा कि उसको खतरे का आभास होगा, मृत्यु का भय रहेगा, छाती में दर्द हो सकता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, पर व्यक्ति क्या है, खतरे का अनुभव करता है कि अरे छाती में दर्द ना हो जाए, मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं सड़क पर जा रहा हूँ, कोई मैं मर ना जाऊँ, इस तरीके से, तो ये वो पैनिक डिसऑर्डर होते हैं। और अगली जो बीमारी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD इसको बोला जाता है, तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के साथ यदि कोई पिछली दुर्घटना घटित हुई है, पिछले कुछ समय में, पूर्व में कोई दुर्घटना घटित हुई हो, तो उसको व्यक्ति भुला ना पा रहा हो और उसकी वजह से उसको चक्कर, टेंशन, परेशान रहता हो, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसको पैरोक्सेटिन टैबलेट का देते हैं पेशेंट को। अगली जो समस्या है वो होती है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, यानी कि GAD। इसमें व्यक्ति क्या है, गंभीर चिंता लगातार करता है, उसकी दिनचर्या प्रभावित होती है और वो चिंता में ही रहता है हमेशा, तो इसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर बोला जाता है, इसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर उसको देते हैं। अभी आगे होता है प्री मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, तो इसमें क्या होता है, महिला को पीरियड आने से पहले जो है बहुत उदासी, चिंता और बहुत गुस्सा होता है, तो ये महिलाओं में पाई जाती है, तो इस ये सब रहता है, इसको ठीक करने के लिए भी डॉक्टर इस पैरोक्सेटिन टैबलेट का इस्तेमाल करवाते हैं। अब बात करते हैं कि जो पैरोक्सेटिन टैबलेट है वो कैसे लेना है, कितनी डोज में लेना है। तो डॉक्टर इसको क्या करते हैं, दिन में एक बार मरीज को देते हैं, खाने के बाद इसको वो खाने की सलाह देते हैं। हमेशा ध्यान रखें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें, सेल्फ मेडिकेशन हमेशा नुकसानदायक होता है। अब ये पैरोक्सेटिन टैबलेट कितनी मात्रा में लेनी है, तो ये पेशेंट की एज, लक्षण और पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में जो लक्षण होते हैं वो पीछे हम बता चुके हैं, तो बीमारी के अनुसार डॉक्टर उसको खाने की सलाह देते हैं।
अब पैरोक्सेटिन टैबलेट के साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसको खाने के बाद नोजिया, गला सूखेगा, उल्टी जैसा अनुभव होगा, थकान लगी रहेगी, भूख कम लगेगी, नर्वसनेस रहेगी, व्यक्ति पसीना ज़्यादा आएगा, चक्कर आएंगे और कामेच्छा की कमी होगी। अब इस टैबलेट को लेते समय क्या क्या स्पेशल सावधानियाँ रखनी है, थोड़ा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो व्यक्ति अल्कोहल का सेवन करते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो व्यक्ति किडनी के रोगी हैं, लीवर की कोई उन्हें भयंकर बीमारी है, तो ऐसे व्यक्ति डॉक्टर की स्पेशल बताई हुई सलाह का पालन करें। डॉक्टर की सलाह से ही इस पैरोक्सेटिन टैबलेट का इस्तेमाल करें, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। तो आज हमने देखा पैरोक्सेटिन टैबलेट के बारे में, तो ये क्या है हम बताएं, हमने इसके बारे में जाना क्या था। साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।